हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको मैं कुछ इस तरह का एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो ये एडिटिंग बिल्कुल आसान और यूनिक लगी तो मैं आपके लिए इसका ट्यूटोरियल ले आया हूँ। तो जिसने भी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। करते हैं एडिटिंग की तरफ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले फ़ोटो को LR में वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, उसके बाद इसका शेडो बढ़ाएंगे। शेडो बढ़ाने के बाद इसकी वाइटनेस कम करेंगे और ब्लैक भी कम करेंगे, ब्लैक्स भी कम करेंगे। तो उसके बाद जाएंगे हम कलर्स पे। कलर्स पे जाने के बाद हम इसका ये हुई थोड़ा कम करेंगे, सैचुरेशन भी कम करेंगे और इसकी ऑरेंज की लुमिनेस बढ़ा देंगे। उसके बाद हम जाएंगे येल्लो पे। येल्लो पे हम हुई को कम कर देंगे, सैचुरेशन को भी कम कर देंगे, जिससे पीछे के इफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ग्रीन को भी कम करेंगे, तो कम करेंगे इसको। फिर इसके बाद इस पर ब्लू पे जाएंगे। इसके बाद इसका आप अपने हिसाब से करना है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। इसमें आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से करना, मतलब कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम जाएंगे ब्लू पे। एक मिनट, मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँ। ये देखिए हो गया है। अब ब्लू पे जाएंगे। ब्लू पे जाने के बाद इसकी सैचुरेशन हम देख लेंगे, जहाँ हमको अच्छी लगती है वहाँ करेंगे और हुई कम कर देंगे। और ब्लू हम इसका कम कर देंगे ताकि शर्ट का कलर चेंज हो रहा है। देखिए शर्ट का कलर चेंज हो रहा है, तो ऐसे कर लेंगे हम। इसके बाद हम इसे डन कर देंगे ऐसे। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसकी सबसे पहले क्लियरिटी बढ़ाएंगे। क्लियरिटी बढ़ाने के बाद इसकी डच बढ़ाएंगे। डच बढ़ाने के बाद इसकी यूनिटीज कम करेंगे। आप 25 या 26 रखो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन जाएंगे और इसकी शार्पिंग बढ़ाएंगे। शार्पिंग 40 रखना और नॉइस रेडिएशन बढ़ाएंगे। नॉइस रेडिएशन हमें 30 के लगभग रखनी है। उसके बाद हम इसकी कलर नॉइस रेडिएशन बढ़ाएंगे। जो देखिए, अब फोटो देखिए, फ़ोटो पे अच्छा लुक आ गया। अब देखिए, इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी लाइट बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा डार्क हो गई है फ़ोटो। तो देखिए बिफोर आफ्टर, देखिए अब हम फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे और चलते हैं पिकार्ट में। अभी इसमें हमें कुछ PNG ऐड करनी है, तो चलते हैं पिकार्ट में। तो हम पिकार्ट में पहले से फ़ोटो खोल लिया मैंने, तो आपको मैं इसमें कुछ PNG ऐड करूँगा। ऐड पे गए और PNG आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक है। उधर आप से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको जूम अच्छे से लगाऊँगा, जूम करके अच्छे से लगा दिया और इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा अच्छे से, एक बार सेट हो जाए। ये देखिए अच्छे से लगा दिए, हाँ हो गई है। अब ये सेट कर दिए मैंने। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक और PNG ऐड करेंगे, एक और PNG ऐड करेंगे, अभी एक और PNG ऐड करेंगे इसमें, ये वाली, ठीक है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपको मॉडल्स के मतलब ऐसे लगाना है कि मॉडल्स की फ़ोटो खींच रही है कैमरे से, आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। मैंने देखिए, मैं भी अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। ठीक है, ऐसे फ़ोटो के हिसाब से सेट कर लेना। देखिए अब ये एक मिनट अच्छे से सेट हो जाने दीजिए इसे। ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो जिसने भी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपकी अगली वीडियो में मिलती है।